अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी चरगा रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 लेमन्स का जूस लिया है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से चिकन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब दूसरी साइड पे भी लगा देंगे। अब चिकन को 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है। जो हमने लेमन और नमक इसके ऊपर लगाया था वो अच्छे से सेट हो चुका है, इसके अंदर अब्जॉर्ब हो चुका है। अब ये तमाम स्पाइसेस हैं, इनको हम योगर्ट में ऐड कर देंगे। मैंगो पाउडर है, मैंगो पाउडर हम खटाई के लिए यूज़ करते हैं ताकि इसमें एक अच्छा सा चटखारेदार खट्टापन आ जाए। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मैरिनेशन रेडी हो चुकी है, इसे अच्छे से हम चिकन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब चिकन को अच्छे से मसाला हमने लगा लिया है। अब ये दोनों लेग्स को अच्छे से हम बांध देंगे धागे की मदद से। अब मैंने स्टीमर लिया है, इसमें मैंने 3 ग्लास पानी ऐड किया है। फ्लेम हम पहले तेज़ रखेंगे ताकि पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए। जब पानी में बॉयल आना शुरू होगा तो तब हम फ्लेम को लो पे कर देंगे। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ब्रश की मदद से ऑयल को लगा देंगे इस तरह से ताकि जब हम इसमें चिकन रखें तो उसका मसाला प्लेट के साथ चिपके नहीं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी होल वाली प्लेट लें और किसी भी पतीली में पानी डालें और उसके ऊपर चिकन रखें, ऊपर से कवर कर दें तो आपका चिकन ईजीली स्टीम हो जाएगा। अब हम इस चिकन को रख देंगे इसके ऊपर। और 20 मिनट्स के लिए हम इसको कवर कर देंगे। और जब चिकन स्टीम हो रहा हो तो बीच में आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से 1-2 बार आप चेक कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि चिकन को अच्छे से स्टीम मिल रही है कि नहीं। चिकन हमारा स्टीम हो चुका है। अब ऑयल को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसमें चिकन को ऐड कर देंगे अच्छे से। 3 मिनट के लिए हम एक साइड से इसको फ्राई करेंगे और 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और जब भी ऑयल आप गरम करें तो ऑयल फुल गरम होना चाहिए।
अब इसकी साइड टर्न कर देंगे। फ्राई करने का मकसद ये होता है कि एक खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ जाता है और जो मसाले हमने इसमें ऐड किए वो भी अच्छे से कुक्ड हो जाते हैं, बीच में कच्चे नहीं रहते, तो इसलिए इसको फ्राई करते हैं। अदरवाइज स्टीम में इसको हमें फुल कुक्ड करना होता है कि स्टीम इसको इतनी अच्छी मिल जाए कि चिकन अच्छे से गल जाए। चरगा हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे डिश में। और इसे गरम गरम रायते के साथ, सैलेड के साथ सर्व करेंगे। और कुछ मैंने चाट मसाला लिया है, इसको अच्छे से ऊपर डाल देंगे और लेमन का जूस। और ये बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चटखारेदार चिकन जूसी जूसी रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर बनाएं, मेरी रेसिपी को फॉलो करें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।